दोस्तों, अगर आपके साथ भी फास्टैग ब्लॉक होने या रिजेक्ट होने की समस्या चल रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने हम हल लेकर आ गए हैं। इसमें वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किन किन कारणों से फास्टैग रिजेक्ट हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है और किस प्रकार से आपको अपना फास्टैग अनब्लॉक कराना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अयूब, आप देख रहे हैं माइंडेड गुरुजी, लर्निंग टू अर्निंग। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन कारणों से फास्टैग रिजेक्ट हो जाता है और या फिर अगर आपका फास्टैग बन भी गया तो कुछ दिनों के बाद ब्लॉक हो जाता है। तो ये समस्या सभी के साथ हो रही होंगी। तो चलिए हम बता देते हैं क्या क्या कारण है। पहला कारण है दोस्तों, आप अपने एक ही नंबर से दो से तीन फास्टैग बना लेते हैं तो उस कारण से या तो आपका फास्टैग रिजेक्ट हो जाता है या फिर अगर बन भी गया तो कुछ दिनों के बाद उसमें दो चार ट्रांजेक्शन करने पर वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण तो ये है कि आपको एक ही नंबर से दो से तीन फास्टैग नहीं बनाने हैं। दूसरा कारण सुन लीजिए दोस्तों, दूसरा कारण है कि आप अपनी बाइक का फास्टैग मत बनाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप टू व्हीलर का अगर फास्टैग बनाओगे तो फास्टैग बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन करोगे तो वो है फास्टैग रिजेक्ट हो जाएगा। और यह समस्या सबके साथ हो रही है अगर आप बाइक का फास्टैग बनाते हो बाइक के नंबर से। ठीक है, तो तीसरा इसका मुख्य कारण मैं आपको समझा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा समस्या का पैदा करता है। इसका तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों, आप फास्टैग बना लेते हो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने लग जाते हो। जैसे कि कोई ऑफ़र आ गया आपके सामने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका फास्टैग ब्लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो बस ये तीन मुख्य कारण थे जिनकी वजह से फास्टैग ब्लॉक हो जाता है। तो आपको इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। अब आता है दोस्तों, आपका अगर फास्टैग रिजेक्ट है या फिर ब्लॉक है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो पहले रिजेक्ट वाले देख लीजिए कि आपका अगर फास्टैग रिजेक्ट है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए, मेरा जो फास्टैग है यह रिजेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, RC फोटो रिजेक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मैं व्यू ऑल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे दो फास्टैग ये ब्लॉक कर दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही नंबर से दो से तीन फास्टैग बनाए हुए थे तो मेरे ये दोनों दोनों बार ये नंबर मेरे क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ब्लॉक हो चुका है। और इसका मेन कारण क्या था कि यह मेरा बाइक का नंबर था, ठीक है, ना कि कार का। तो ये मेरा मेन कारण था। अब चलते हैं कि मेरा ऊपर वाला जो है ये वेरिफिकेशन फेल्ड है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो RC है, अपनी RC उसकी क्लियर फ़ोटो आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर फ़ोटो अगर आप यहाँ पर दोगे तो यह आपका चालू हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लियर फ़ोटो दे देते। देखिए, इस पर अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अपलोड RC फ्रंट साइड, अपलोड RC बैक साइड। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, हम आगे आपको अनब्लॉक कर कर भी दिखाएंगे। ठीक है, ये अभी रिजेक्ट वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको RC फ्रंट साइड पर क्लिक करके आपको इसमें फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो हम इसमें फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो इसमें मैं RC की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने RC की फ़ोटो इसमें डाल दी और यहाँ पर लिखा आ गया है कि योर फास्टैग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, वी विल नोटिफी यू ऑन द
आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन शॉर्टली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कुछ ही देर में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग लगा रहा है और ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दूँगा आपको अनब्लॉक किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आपको अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पर पेटीएम के फास्टैग जो कस्टमर केयर है उनको कॉल करना है। उनको आपको अपनी समस्याएँ बतानी होंगी। जैसे ही आप अपनी समस्याएँ बताओगे वो आपका फास्टैग अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपका फास्टैग फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको अनब्लॉक करने के लिए कस्टमर केयर से संपर्क करना होगा और यह बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कॉल किया था तो उन्होंने मेरा फास्टैग अनब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो आप कॉल करके अनब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई समस्याएं देखने को मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हम उसका कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।